दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आदित्य धार के बारे में। आदित्य धार के बारे में शायद आप लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और ये चर्चा इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा और आने वाले टाइम पर आप आदित्य धार की कोई भी मूवी नहीं छोड़ना चाहेंगे। देखा जाए तो इनके डायरेक्शन में सिर्फ एक ही मूवी बनी है और ये मूवी पहली ही मूवी नेशनल अवार्ड ले गई है। शायद आप लोग को भी इस मूवी ने आप लोगों ने भी इस मूवी को देखा होगा तो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। उर्दा सर्जिकल स्ट्राइक इनकी पहली मूवी है इनके डायरेक्शन की। अगर देखा जाए तो इन्होंने कास्ट किया विक्की कौशल को, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले, राइटिंग और जो डायरेक्शन जो इन्होंने संभाला वाकई में फाड़ कर रख दिया। और जिस तरह की विक्की कौशल ने एक्टिंग की है वाकई में दमदार थी। अगर देखा जाए तो इनका एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि ये सुपर हीरो के रूप पर लेकर आना चाहते हैं। विक्की कौशल के साथ ही ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इस प्रोजेक्ट पर ये इनको सुपर हीरो, जैसे आप लोगों ने कुछ मूवीज देखी होगी रावण क्रश जो कि हमारे मतलब सुपर हीरो के रूप पर आई, और एक टाइगर श्रॉफ भी मूवी लेकर आए थे। लेकिन इनकी जो नेक्स्ट मूवी होगी आदित्य धार की, जब भी आएगी उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इनकी ये जो मूवी होगी वाकई में हिट हो सकती है, सुपर हिट हो सकती है, ब्लॉकबस्टर, या आप हमें कमेंट करके बताना। इन्होंने इससे पहले भी कुछ और मूवीज़ पर काम किया है। देखा जाए तो इससे पहले इन्होंने 5 से 6 मूवीज़ पर काम किया है, लेकिन उस मूवीज़ में डायरेक्शन नहीं किया था। आप लोगों ने तेज देखी होगी, तेज मूवी में आप लोग अजय देवगन सामने दिखाई दिए थे, आक्रोश दिखाई देखी होगी मूवी आप लोगों ने, और उसके बाद अगर बात करूँ डैडी कूल, इन कुछ मूवीज़ पर इन्होंने स्क्रीन प्ले किया था 5 से 6 मूवीज़ पर। लेकिन जब ये डायरेक्शन पर उतर के आए तो वाकई में पहली ही मूवी पर नेशनल अवार्ड पा जाना, मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं। और डायरेक्शन के मामले में बहुत सारे डायरेक्टर आते हैं बॉलीवुड में और चले जाते हैं, और उनको मतलब अवार्ड के लिए तरसते रहते हैं। और देखा जाए तो इस मूवी के लिए सिर्फ इन्हें बेस्ट डायरेक्शन के नहीं मिला, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए भी अवार्ड मिला। तो आप बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए अवार्ड मिला तो पहले ऐसे आदित्य धार इस साल, आई थिंक ओम रावत भी ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि पहली मूवी अपनी लेकर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मराठी मूवीज़ पर काम किया, तो उसके बारे में भी बताऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके बारे में को लिए लेकर डायरेक्शन जो करते हैं, डायरेक्टर्स जिनकी पीछे की मेहनत होती है जो कि शायद आप लोग को नहीं पता चलता। बहुत सारे लोग हीरो को देख कर मूवी देखने जाते हैं, लेकिन आगे से आप शायद डायरेक्टर को देख कर मूवी देखने जाएंगे। बहुत सारे डायरेक्टर के बारे में हम करने वाले हैं चर्चा, और आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। और आदित्य धार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, या उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा।